और हमने डिसाइड किया कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और देखिए कैसे झरना बह रहा है ऊपर से, ये देखिए, ये देखिए खतरनाक लग रहा है। तो आज का ब्लॉग में स्टार्ट, देखिए बारिश से, बारिश का मौसम है और बहुत तेज बारिश हो रही है लगातार, 8-9 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो हम आज इस बारिश में ही हमने सोचा कि इसी बनाते हैं, आज इसमें ही ब्लॉग बनाते हैं। और हमने डिसाइड किया कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो हम आज लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, तो लॉन्ग ड्राइव पे आज हम जा रहे हैं भिक्के सेन से भतरौज खान। तो देखते हैं रास्ते में कितना मतलब टूटा फूटा है, जैसे कि आज पहाड़ों में तो बहुत ही रिस्की रास्ते होते हैं, और रिस्की रास्ते होने के साथ साथ बहुत ही बहुत जगह पे हमें दिखा भी अभी कि टूटा फूटा है। तो आगे भी हम देखेंगे कि कितना टूटा फूटा है और क्या क्या हालत है। तो थोड़ा डिसीजन हमारा रिस्की होगा और थोड़ा डिफरेंट है, बट इसको हम करेंगे आज। तो देखते हैं, और भिक्या सेन से भतरौज खान की जो दूरी है लगभग 29 से 30 किलोमीटर, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज देखिए मौसम कितना ख़राब है और मूसलाधार बारिश हो रही है, लगातार मूसलाधार बारिश। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम दोनों चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि आपको सड़क की हालत तो दिखी रही होगी, और मेरे साथ है मेरे हस्बैंड, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहूँगी आपको। तो मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों चल रहे हैं अब। नमस्कार, पहला मेरसियो, मैं प्रेरणा कड़ाकोटी आप सबका स्वागत करती हूं अपने ब्लॉग में, और आशा करती हूं कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं हम अपनी यात्रा की शुरुआत। और जैसे कि देखिए चारों तरफ बिल्कुल भी कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलते हैं यहाँ से आगे। फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड के माओ मंडल के अल्मोड़ा जिले से। तो फ्रेंड्स देखिए, हम 7 किलोमीटर आगे आए भिक्के सेन से। तो यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे देखिए कैसी बाढ़ सी आ गई है सड़क में, और देखिए कैसे झरना बह रहा है ऊपर से, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए पहाड़ों में यही ज्यादा होता है, और इसी के कारण आपको अगर बारिश बंद हो जाती है थोड़ी देर में, तो बहुत ही वो बहुत ही ज्यादा सड़कें टूटने और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। थोड़ा मैं भी जाती हूँ उसमें, वहां पे जाके देखती हूँ, तो रिस्की तो नहीं होगा बट कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसका बहाव कितना है। बहाव तो बहुत ही है यार, है? चले। और जहाँ पे बड़ा सा झरना है वहां पे ले चल रहे हैं हम आपको, तो वहां पे चलते हैं सीधा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ झरने के पास, और बहुत ही डर लग रहा है झरने, बहुत ही डर लग रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये व्यू, और देखिए किस तरह से गिर रहा है ये झरना, बहुत ही आकर्षक तो लग रहा है बट डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा, किस तरह से गिर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश तो हो ही रही है बहुत तेज। तो मैं अभी आपको थोड़ा इसकी आवाज सुनाना चाहती हूँ इस झरने की, कि किस तरह से कैसी आवाजें कर रहा है, तो सुनाती हूँ मैं आपको। तो आप सुन पा रहे होंगे कि झरने की आवाज कितनी खतरनाक आ रही है, सुनकर ही डर लग रहा है, आवाज सुनकर ही। ये देखिए, और ये है नीचे पड़ने के बाद, ये है। तो जो ऊपर से झरना गिर रहा है, मैं आपको नीचे की साइड दिखा रही हूँ। तो ये नीचे की साइड जा रही है और सड़क पर जा रही है पूरा, ये देखिए सड़क दिख रही है आपको, तो सड़क पर जा रही है। और सड़क पर जाने से कई बार क्या होता है कि ये नदी इतनी भयानक आती है कि यहाँ पे यातायात के साधन पूरी तरह से ठप हो जाते हैं, और आने जाने का कोई भी साधन नहीं रहता है। तो मेरी प्रशासन से ये अपील होगी कि
ऐसी जगहों पर पुल का निर्माण किया जाए। तो देखिए, जैसा कि जहाँ से पानी गिर रहा है ये घने जंगलों के बीच में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगलों से पानी इकट्ठा होकर और एक बड़ा झरना बनता है। तो ये जंगल है, देखिए चारों तरफ को जंगल है और जंगलों के बीच से ही ये झरना बनकर आ रहा है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बस झरने के जस्ट पास में ही हूँ, देखिए, और लगभग उसी के नीचे से आ गई हूँ, ये देखिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही समीप आ गई हूँ उसके। डर भी लग रहा है, यहाँ पे तो हिंडोले खेल रहा है पानी, उसको देखकर तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है मुझे। और देखिए कैसे पानी उड़ रहा है, देखिए ये देखिए, ओ माय गॉड, ये तो मेरे को लग रहा है बढ़ते ही जा रहा है। वहां पर देखो कैसा हो रहा है, वहां पर देखो कैसा हो रहा है, वहां पर देखो कैसा हो रहा है, वहां पे पानी से पानी, यहाँ पे पानी देखिए, पानी पेड़ों पे ऐसे मार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उसको धक्का दे रहा होगा। और ये है व्यू यहाँ का, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जस्ट इसी के झरने के नीचे ही आ गई हूँ अब, और पूरा भीग भीग चुकी हूँ। और आप देखिए ये झरना कितना खतरनाक लग रहा है, इसकी आवाज सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, भयंकर रूप ले रखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आते हैं। और किस तरह से देखिए हिंडोले खेल रहा है पानी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो लॉन्ग ड्राइव पे आने का डिसीजन था वो थोड़ा सफल होते हुए दिख रहा है हमें, ऐसा लग रहा है कि सफल हो गया है। तो देखिए, काफी डर भी लग रहा है पर सही भी लग रहा है थोड़ा मन में थोड़ा वो फील्स आ रहा है कि जिसके लिए हम घर से बाहर निकले थे वो लगभग थोड़ा हो ही गया है पूरा। और जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये है, पानी में जाना रिस्की होगा इसलिए मैं पानी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही डेंजर लग रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा डेंजर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको झरना दिखाई दिया है, अब मैं यहाँ से नीचे उतर रही हूँ और सड़क पे जा रही हूँ, क्योंकि अब दिखा दिया है तो यहाँ से बढ़ते हैं अब आगे भतरौज खान की ओर। और बहुत ही भयंकर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही डरावना नज़ारा है, बहुत ही डर लग रही है मुझे तो, पर गए हम उसके पास। और मैं पूरा भीग भी चुकी हूँ, क्योंकि उससे जो बारिश की छींटे ऐसे तिरछा पड़ रही थी तो वो पूरा डायरेक्ट हम पे ही आ रहा था और पूरे कपड़े भीग चुके हैं। बारिश थोड़ा कम हो गया, लेकिन जो बारिश की तिरछी, जो पानी से आने वाली बूंदे पड़ रही थी वो तिरछी पड़ रही थी ऐसे, तो हम पे आ रही थी सीधा। तो देखिए, और मेरा पूरा सिंदूर भी बह गया है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और अब मैं भी लगभग सड़क पे पहुंच चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ झरने से नीचे सड़क पे, और मैं पूरा भीग चुकी हूँ जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत ही ठंडा लग रहा है मुझे। और पहाड़ों में चलना कितना रिस्की होता है, बहुत मजा भी आता है, लेकिन जो रास्ते होते हैं उनमें काई लगी होती है, उनमें चलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो अब मैं सड़क पे हूँ और सड़क के नीचे देखिए किस तरह से नदी बह रही है, और अगर बारिश और बढ़ेगी तो फिर और पानी बढ़ेगा। तो अभी हम सड़क पे हैं और वो झरना तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो ये सड़क के नीचे का नज़ारा है, सड़क के नीचे का नज़ारा दिखा दो थोड़ा, सड़क के नीचे का नज़ारा है जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बहुत थोड़ा नीचे तक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे बहुत ही डर लग रहा था मुझे जब मैं झरने के पास गई, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था उसी के साथ साथ। तो चलते हैं यहाँ से आगे, अब थोड़ा अभी बारिश भी कम हुई है तो यहाँ से आगे चलते हैं, और आगे चल के देखते हैं कि क्या है कंडीशन, क्योंकि जब बारिश बंद होती है उसी के बाद ज्यादा तोड़फोड़ और जो भी हमारे सड़कें टूटती हैं ये बारिश के बाद ही होता है, बारिश में उतना ज्यादा नहीं होता लेकिन उसके बाद ज्यादा होता है। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लगभग 11 बजे हैं दिन के, और कोहरा आपको दिख रहा होगा कि बहुत हो रहा है, कोहरा लगातार बढ़ते जा रहा है, और अभी थोड़ा कम हुआ था फिर दोबारा से ज़्यादा होने लग गया। तो बढ़ रहे हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, देखिए हम आगे आए
तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे पानी का बहाव देखिए कितना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। तो चलते हैं यहाँ से आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी अभी एक बहुत बड़ा बोल्डर आया है, पत्थर आया है सड़क पे, और ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी अभी यहाँ पे ये देखिए, ओ माय गॉड। हम थोड़ा आगे आए, यहाँ पे बहुत बड़ा बोल्डर दिख रहा था, उससे थोड़ा आगे आए और यहाँ पे पूरा देखिए एक पेड़ भी लटक गया है पूरा, और उसके ऊपर से लगातार धरती धस रही है। ये अल्मोड़ा जिले का एक मात्र राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जो कि आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स जो ये रोड जा रही है ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी के गांव को जाती है ये रोड, उनके ग्राम सभा का नाम है मोहनरी। तो फ्रेंड्स हम अब अपने जो हमारा ट्रैक था लगभग हम अतरौज खान के पास पहुंच चुके हैं, अतरौज खान स्टार्ट हो गया है, अब ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम भतरौज खान से वापस हो गए हैं, भिक्या सेन की ओर वापसी कर रहे थे, तो रास्ते में देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर आ गए, और मतलब अभी हम 1 किलोमीटर भी आगे नहीं आए हैं भतरौज खान से, और यहाँ पे बहुत बहुत ही बड़े पत्थर आए हैं, और यहाँ पे अभी JCB साफ कर रही है सड़क। तो वापसी में हमें बहुत जगह पर सड़कें टूटी हुई और बहुत बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर मिल रहे हैं, कहीं पे JCB लगी हुई है और कहीं पे लोग खुद ही पत्थरों को इधर उधर करके और आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा व्यू है, बारिश के बाद का ये व्यू देखने लायक होता है। तो ये हमारा जो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखिए चारों तरफ से बहुत ही अच्छा आकर्षक व्यू। तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था झरना वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और पानी का लेवल तो खैर उतना ही है, अभी पानी का लेवल कम नहीं हुआ है बारिश बंद होने के बाद भी। तो मैं अभी फिर से दिखाती हूँ आपको यहाँ से थोड़ा। तो फोग हो रहा था, फोग छट चुका है पूरा, पूरी तरीके से फोग छट चुका है, और आप अब इसका व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये है नीचे का व्यू, बहुत ही साफ हो गया है पानी, अब पहले बहुत ही गंदा दिख रहा था बट अब साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं भिक्या सेन, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक शेयर करें।